नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई के शेयर के बारे में। दोस्तों क्वार्टरली नतीजे आ चुके हैं, तो क्विकली बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधे नतीजों की तरफ चलेंगे। एक अच्छे रिजल्ट की हम लोग उम्मीद है, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक में फंसे हुए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में एंटर करें, हम आपको टाइमली रिप्लाई भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। दोस्तों अभी अभी रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं सीधे चलता हूं, देखता हूं क्या कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है। तो इसमें चार पांच पॉइंट पे इन्होंने पांच छह पॉइंट्स के अटेंशन किया है। एक तो ये सारी चीजें किया है और दूसरे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पीआरपी जिसको बोलते हैं 1103 लाख रुपीस इन्होंने किया है कंप्यूटर टू द प्रोपोटेशन रेजोल्यूशन फाइनल डिसीजन, तो इस पर फोकस किया गया है और साथ में रिजल्ट्स पर भी फोकस किया गया है। आते दोस्तों रिजल्ट्स पर, डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये स्टैंड अलोन है, मैं कंसोलिडेटेड फिगर्स पर फोकस करूंगा। यहां पर आ गए दोस्तों कंसोलिडेटेड फिगर्स, यस ये आ गए दोस्तों कंसोलिडेटेड फिगर। यहां पे दोस्तों ये सारे फिगर लैक्स में है, सबसे पहले ये समझे, ये जो फिगर है 1,45,827 लाख टोटल इनकम रही है। ईयर ऑन ईयर अगर आप इनकम में देखें तो लगभग लगभग 20% का जंप है, यानी टॉप लाइन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वही बॉटम लाइन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है वहां से दोस्तों थोड़ा सा फ्लैट से है। इस बार दोस्तों एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 13,649 की फिगर रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी है, लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर इसमें स्लाइटली रिड्यूस देखने को मिला है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफी रिड्यूस हो चुका है। इसी वजह से दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी कह सकते हैं कि आधे हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इनकम फ्रंट पे अच्छा गया, लेकिन बाकी फ्रंट पे कह सकते हैं कि कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हालांकि रिजल्ट से पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल चुका है शेयर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के चलें। और अपसाइड दोस्तों यहां से ये शेयर 161-180 के जोन में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डिप मिलती है यहाँ पर 125 अराउंड, तो इसमें फ्रेश बाइंग किया जा सकता है। 125, 28, 132 तक अगर कोई एग्जिट मिले तो एग्जिट जरूर कर लें। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।